नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बनर्जी, अच्छा आज जो आपके शहर में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग के इस इलाके में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हॉस्पिटल खुला है जो पहले कभी नहीं था, तो लोगों को उम्मीद है कि सुविधा ही होगा। क्योंकि डिफरेंट क्या है? देखिए डिफरेंट ये है कि आज अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो हमको पहले सोचना पड़ेगा कि हम लोग आसनसोल से पहले कोई ऑप्शन नहीं है, तब तक मरीज़ के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। बट आज क्योंकि हम लोग के यहाँ पे खुल चुका है हॉस्पिटल, तो बेटर है कि आज अगर भगवान ना करे किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन होगा ये हॉस्पिटल, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हो? फैसिलिटी में यहाँ पे हम लोग NICU दे रहे हैं, ICU है, जनरल वार्ड मेल फीमेल है, पर्सनल केबिन है, और उसके अलावा भी हम लोग OPD फैसिलिटी दे रहे हैं, पैथोलॉजी है, CT स्कैन हो रहा है, सब कुछ फैसिलिटी हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है वो सब हम लोग लाए हैं और भी लाने वाले हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आज आप लोग यहाँ क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? जी आज श्री नर्सिंग होम 6 साल बाद श्री हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हुआ, इसका आज उद्घाटन है। श्री हॉस्पिटल यूनिट ऑफ कुल्टी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक शाखा है। अच्छा, इसमें आज कौन कौन लोग आए पार्टिसिपेट किए? जी इस एरिया के मतलब आप लोग सभी को ही जानते हैं कि कुल्टी एक ऐसा जगह है जो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर 3-4 स्टेट को रिकवर करता है, तो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट के जो भी रिनाउंड डॉक्टर्स हैं वो सारे आए हुए हैं। और उद्घाटन, आज का उद्घाटन आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम के महाराज जी से हाथों से हुआ। आप लोगों ने कभी सोचा था कि नर्सिंग होम पे इतना जल्दी आप एक हॉस्पिटल में चेंज कर लोगे? ऐसा है कि हम लोग ये मजबूरी पे थी, इसलिए कि जब हम लोग 2014 में नर्सिंग होम को शुरुआत किया, ये जो बीते हुए 6 साल है इसमें से हम लोग बहुत सा चीज़ फॉलो किए हैं या बहुत सा प्रॉब्लम फेस किए हैं। वो ऐसा कि बहुत तरह का पेशेंट था जिसको हम लोग सही मानों में सर्विस दे नहीं पा रहे थे। जैसे कि अगर हम बोलें एग्जांपल कि मान लीजिए कि शाम के टाइम में कोई एक्सीडेंट होकर पेशेंट आया, उसको हम लोग डायग्नोसिस करके देखना था कि ब्रेन में कोई चोट है कि नहीं, तो उसको CT स्कैन चाहिए, या मान लीजिए बोन का क्या प्रॉब्लम है तो उसके लिए CT स्कैन हो, एक्सरे हो, वो डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग दूसरे दिन सुबह तक वेट करना पड़ता रहा कि कहाँ भेजें, कहाँ से हमको जल्दी रिपोर्ट मिल जाए। तो वो सारा हम लोग का दिमाग में चलता रहा कि हम लोग सर्विस देने पर हम लोग को पेशेंट को रेफ़र कर देना पड़ता रहा। इस कुल्टी सराउंडिंग एरिया में, एडजॉइनिंग एरिया में काफ़ी सारा अभी रीनल प्रॉब्लम जिसके लिए डायलिसिस कराना पड़ता रहा पेशेंट लोग को, वो पेशेंट को हम लोग ले नहीं पा रहे थे। जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं इस बेल्ट के, अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, उन लोगों को हम जगह दे नहीं पा रहे थे कि उन लोगों को OPD करवाएं, उन लोगों का सर्जरी करवाएं, जिसका वजह से ये श्री हॉस्पिटल का जन्म हुआ। ये जो हॉस्पिटल, इसमें कितने बेड है? ये अभी 62 बेड से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ आप फैसिलिटी दे रहे हो? ये हम लोग का मेडिकल लाइन में जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे ICU हो गया, फुल डायग्नोस्टिक्स तो है ये है, जैसे CT स्कैन, एक्सरे, ECG, PFT, TFT, इमरजेंसी वार्ड, ICU, NICU, 3-3 OT, मॉड्यूलर OT, सारा चीज़ इसमें फैसिलिटीज़ है। ये जो आपके बोर्ड है, बोर्ड में कितने लोग हैं? अभी हम लोग का बोर्ड में 5 मेंबर्स हैं। उन लोगों का जैसे मैं सुमित मुखर्जी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी के, काली प्रसाद मुखर्जी डायरेक्टर, सुजीत माझी डायरेक्टर, डॉक्टर बाबलू सिंह डायरेक्टर और अरूप माझी डायरेक्टर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नर्सिंग होम चलाना बहुत चैलेंजिंग है। बहुत चैलेंजिंग। कितना चैलेंज आपके सामने है? देखिए अगर हम लोग सर्विस सही से दे पाए हैं तो हमको नहीं लगता कोई चैलेंज हम लोग का सामने होगा, और कोई भी अच्छा चीज़ करने के लिए चैलेंज लेना ही पड़ता है। चलिए सर, हम लोगों ने देखा आज आप लोगों ने कुल्टी में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जितने भी लोग आ रहे हैं सब तारीफ कर रही है, नर्सिंग होम बहुत अच्छा हुआ है, क्या उम्मीदें आपको इसके बारे में? उम्मीदें तो पेशेंट का विश्वास है, जो विश्वास इतना दिन श्री नर्सिंग होम से हम लोग को मिला है, जो हम लोग को श्री हॉस्पिटल करवाना है पड़ा, जिसमें पेशेंट को हम लोग श्री नर्सिंग होम में, जैसे MD साहब ने बोले हैं कि हम लोग डायरेक्टर्स जो मिलके श्री नर्सिंग होम में थे, जो श्री हॉस्पिटल किए, जो वहाँ सर्विस नहीं दे पा रहे थे हम लोग, वो सर्विस को यहाँ देना है। मेन मकसद है सर्विस देना, यहाँ का मेन मकसद ही है सर्विस देना पेशेंट को, पेशेंट को ट्रांसपेरेंट सर्विस जिसको बोला जाता है। और क्या क्या फैसिलिटी? फैसिलिटी सारा डायग्नोस्टिक है,
फुल ऑटो एनालाइजर के साथ पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक्स है, CLIA है, ELISA है, एक्सरे 300 में एक्सरे विद CR है। डॉक्टर कहाँ के रखते हैं? डॉक्टर्स कुछ इन हाउस डॉक्टर्स हैं, कुछ बाहर के हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कुल्टीवासी को लिए, हम लोग के लिए, कि यहाँ बहुत डॉक्टर्स प्रैक्टिस करने के लिए आना चाह रहे हैं, सेटअप के लिए। सबसे चीज़ है सेटअप, यदि अच्छा नहीं हुआ डॉक्टर्स लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल एथिक्स कुछ काम करता है जिसमें। तो वही महसूस कर रहे हैं जिसको फ्यूचर में, फ्यूचर में जैसे डिमांड था NGO के लिए, NGO कैथ लैब्स के लिए हम लोग के पास प्रेशर आ रहे हैं, डॉक्टर्स लोग NGO कैथ लैब्स चाह रहे हैं कि यहाँ सेटअप करें, पर वो सेटअप अभी इस दौरान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका उम्र हुआ श्री हॉस्पिटल का एक साल में इसका सेटअप किए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, हम लोग मेहनत करते जा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सरकारी हेल्थ कार्ड जो होता है उसका रहेगा, सारा चीज़ रहेगा, सरकारी हेल्थ कार्ड सारा सुविधा ही रहेगा। जैसे हम लोग बोले हैं कि हम लोग ये साधारण आदमी जो है मिडिल क्लास, उन लोगों के लिए सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, तो सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है तो वो मिडिल क्लास आदमी को या गरीब तबके के आदमी को नज़र रखते हुए पॉलिसी लाती है। तो क्योंकि हम लोग का पॉलिसीज़, सरकार का पॉलिसीज़ इसलिए भी और भी लेना है कि हम लोग उस पॉलिसी से हम लोग उस मिडिल क्लास आदमी को ज़्यादा हेल्प कर सके। और ज़्यादा एक बात हम बोलना चाह रहे हैं आप लोग का माध्यम से कि कुछ कमियां और खामियां हर इंसान में रहता है, उसी तरह कमियां और खामियां हर संस्था में भी रहेगी। जब सारे जुड़ेंगे एक अच्छा चीज़ करने के लिए तो वो कमियां और खामियां हम लोग आस्ते आस्ते पूरा करते रहेंगे। जो टीम है पूरा यंग है और बहुत यंग में आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कुछ प्राउड फील हो रहा है। प्राउड तो आप लोग, आप जो आम जनता है वो कराएंगे कि हम लोग सही किए हैं कि गलत, वो बताएंगे कि हम लोग क्या किए क्या नहीं किए। आपका मैसेज क्या है कुल्टीवासी? हम लोग को मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि ये श्री हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ सर्विस देने के लिए बना है। अच्छा सर्विस देने के लिए जो ज़रूरत है वो हम लोग श्री हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट किए हैं। आप लोग का हमेशा समर्थन श्री नर्सिंग होम को भी रहा है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग का समर्थन श्री हॉस्पिटल में भी रहेगा। धन्यवाद। आज आपके शहर में एक अच्छा श्री हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, कैसा फील हो रहा है? पूरा शहर आज बहुत खुश है। ये चंद नौजवान बच्चे, ये लड़कों का बहुत जद्दोजहद, उनकी काविश कोशिश से इतना बड़ा हॉस्पिटल का क्याम हुआ। हम कुल्टी वाले बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो फैसिलिटीज़ साउथ में आपका वेलोर और चेन्नई जैसे लोग जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह का फैसिलिटी हमारे इस अंचल में कुल्टी में मिलेगा। क्या उम्मीद है इन लोगों से? ये लोग जिस नेक मकसद के तहत ये काम जो शुरू किए हैं कि हमारे जो सीरियस पेशेंट होता था उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं था हमारे आसनसोल बेड में, इन्होंने जो कदम उठाया साउथ के तर्ज पर, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हॉस्पिटल आने वाले दिनों में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। गोपाल दत्त आसनसोल। अच्छा, आज कुल्टी में जो ये इनॉग्रेशन हुआ कैसा फील हो रहा? बहुत अच्छा फील हो रहा और कुल्टी पूरा आसनसोल में वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल बन के दिखाएगा, वो लोग जो कमिटमेंट किए हैं। अच्छा। और बस ये लोग जो कमिटमेंट जो किए हैं उससे कितना उम्मीद है? उम्मीद तो है, ठीक है, हाँ उम्मीद है, बाकी तो कल से पता चलेगा। नाम आपका? मेरा नाम मौसमी मुखर्जी। कहाँ रहते हो? हम कुल्टी में रहते हैं। आज जो इनॉग्रेशन हुआ कैसा लग रहा है? मुझे बहुत हैप्पी हो रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड इसमें मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस तरह का नर्सिंग होम यहाँ पर है नहीं और सभी तरह की हेल्प यहाँ पर मिल जाएंगे। और हस्बैंड को आप तरक्की करते हुए देख रहे हो तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है क्योंकि वो उसका बहुत ड्रीम था, पहले ही शादी से आगे ही बोले थे कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है मीन्स नर्सिंग होम करने का। पहले वो नर्सिंग होम करते थे, फिर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी ये सब देखने के बाद कि उसका ड्रीम जो है फुलफिल हुआ। এখানে হ্যাঁ নার্সিং হোম তো দেখে বেশ একটা স্বস্তি হসপিটাল একটা বেশ স্বস্তি ভাব আর কি এটা দেখে ফিল কেমন হচ্ছে? হ্যাঁ খুব গুড ফিলিং এর তো আসছে, আজকালে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে যে আমরা কুলটির মধ্যে একটা বড় হসপিটালে এলাম, মিশনের পরে এত বড় যে হসপিটাল কুলটির মধ্যে হয়েছে এটাতে আমরা খুব স্যাটিসফাই। রিকোয়ারমেন্ট ছিল এখানে খুব ভালো, খুব ভালো। কুলটির প্রতিষ্ঠানে যে প্রয়াস এই নতুন যুবকদের, এই জিনিসটা বহু আকাঙ্ক্ষিত ছিল, আজকে সেটা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। হ্যাঁ, এবং আমরা আশা করব আগামী দিন এরা আরও ভালোভাবে এটাকে আরও সুন্দর করে আরও বেড সংখ্যা বাড়িয়ে
এটাকে মেজর আকারে আরো নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। কুলটিতে আমরা প্রথমবার এরকম দেখছি হসপিটাল আর, হ্যাঁ, কেমন ফিল করছেন? আর সব থেকে বড় কথা, ইন কম্পারিশন টু আসানসোল ডিভিশন, দিস ইজ দ্য হসপিটাল হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড অ্যাকচুয়ালি মোর দেন ওয়ান ভিগেস, দের ইজ নো হসপিটাল, দে হ্যাভ ফাউন্ডেড, দে আর ইন আসানসোল উইথ এ শর্ট স্পেস প্লেসেস দে আর অ্যাকচুয়ালি। তো সেইখান থেকে আমরা বলবো প্রতিটা মানুষের কাছে যাতে এদের সেবাটা প্রচারটা ভালোভাবে পৌঁছে যায় এবং প্রতিটা গরিব সম্প্রদায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমস্ত মানুষের যাতে উপকৃত হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা এই প্রতিষ্ঠানটাকে একটা ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় নিয়ে এসেছে। আজকে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখেছেন কত হোক, আজকের যে আয়োজন এখানে হয়েছে দেখে আমি রিয়েলি ইমপ্রেসড, এবং অল দ্য জেন্ট্রি অফ দ্য সিটি অ্যান্ড দ্য ভিআইপিস অ্যান্ড দ্য ডক্টর্স অল আর প্রেজেন্ট অ্যালং উইথ দ্য অল অডিয়েন্স। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট কাইন্ড অফ ইউ আস্কিং মি, মানে কী ধরনের সাম মেসেজ? আই উইশ ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপ দে উইল প্রসিড ডে বাই ডে অ্যান্ড ইনক্রিজ দেয়ার ডিমান্ডস দ্য নিড অফ দ্য পিপল belong to middle class, poor class, any sort of classes of people. The my best wishes always with them, and the endeavor of this organization is beyond my imagination. Because of Kulti, I belong to Kulti, that's why I am much very much impressed about this actually. খুব সুন্দর, আমার নাম স্বপন কুমার চক্রবর্তী, মানে আমার জামাই জামিপুরে নার্সিং হোমের একটা শেয়ার হোল্ডার। খুব সুন্দর লাগছে, আমি এসছি নিসার থেকে, খুব সুন্দর দেখে ডেকোরেশন খুব ভালো, ওটি থিয়েটার ফিয়েটার লন ফল কেবিন ফেবিন সব আমরা দেখলাম, খুব সুন্দর ভালো লাগছে। আমি আদ্রা থেকে এসেছি, মানে আমি যা দেখলাম এর সেট আপ দুর্দান্ত সেট আপ, এখানের যা আপনার ইমার্জেন্সি থেকে আরম্ভ করে আপনার অপারেশন থিয়েটার থেকে আরম্ভ করে আইসিইউ, মানে টোটাল সেট আপ, মানে এই বেল্টে এরকম একটা দরকার ছিল আমার মনে হয়, কারণ আমাদের এখানে কোনো কিছু দরকার হলে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় দেখি দুর্গাপুর যাই, তবে এটা হওয়াতে আমাদের এখানে লোকাল এবং আমরা প্রচুর উপকৃত হব, এবং এটা করার জন্য যারা করেছেন তাদের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই, যে আমাদের এই ভালো একটা সেবা দেওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটা করার জন্য এটা একটা দুর্দান্ত জিনিস করেছেন। ওয়েলকাম ইন আওয়ার চ্যানেল, হোয়াটস ইউর নেম? মাই নেম ইজ কে চন্দ্রশেখর, আই এম ওয়ার্কিং এ সিইও অফ দ্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি ইন কুলটি, উইচ ইজ কল্ড সেল রাইটস বেঙ্গল ওয়াগন ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড। So I am here for the past 2 years. I am seeing that there is no good medical facility here. In fact, people were also asking me some kind of good medical facility is required for the family. So we are seeing a drastic change in Kulti, having built up such a good infrastructure. So today we are here, so as a part of celebration. About today's program, it was very nice to be here. I have seen that this hospital have the infrastructure to deal with the field from pediatrics to geriatrics, and almost they are having facility from A to Z. After seeing the hospital, have you any message? I feel very proud that the good hospital has come in a backward area like Kulti. That's a good message. थैंक यू। मेरा नाम रविशंकर चौबे हुआ, मैं कुलटी मदद फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोगों ने देखा कि श्री हॉस्पिटल का इनोग्रेशन हुआ, ओपनिंग हुआ, कैसा फील हो रहा है हॉस्पिटल देखकर? ये हॉस्पिटल आने वाले समय में कुलटी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम लोग आज कुलटी के लोग दुर्गापुर, कोलकाता, हैदराबाद बहुत सारे जगह पर जाते थे, पर एक ऐसा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जहाँ की सारी सुविधाएँ हैं, और वो भी बहुत ही कम रेंज में है और वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो ये हमारे लिए बड़ी ही कुलटी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे लोग सोच रहे हैं। इनके जो टीम है, हम लोगों ने देखा कि इन लोगों का पहले का जाकर के नर्सिंग होम था, उसके बाद बहुत जल्दी इन्होंने हॉस्पिटल किया। इनकी जो टीम है वो टीम वर्क के तौर पर काम करती है, इनकी क्या खूबी है? एक्चुअली ये यंग जनरेशन के लोग हैं, इन लोगों का कुछ करने का इरादा है। एक्चुअली ये यंग जनरेशन के जो लोग होते हैं, जो सोचते हैं बहुत बड़ा सोचते हैं, एनर्जेटिक लोग हैं,
और ऑलरेडी ये लोग समाज सेवी भी हैं पहले से, हम बता दें आपको कि मेडिकल क्षेत्र के साथ साथ ये लोग समाज सेवा में ही बहुत दिन से इन्वॉल्व हैं। आपको ड्रामा में भी एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी जुड़े हुए हैं। तब भी विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़ते जुड़ते इन लोगों को इच्छा हुआ कि हम समाज को एक नया चीज़ दें, और वो है सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हमारे पास शिक्षा तो है मगर स्वास्थ्य की कमी थी, जिन्होंने इन्हें पूरा कर दिया। और हम धन्यवाद कहेंगे सुमित मुखर्जी और कालीपद मुखर्जी को और उनके पूरी टीम को कि जिन्होंने इतना बड़ा सोच को यहाँ पर मैंने धरातल पर उतारा। हम लोग ने देखा कि एक इनॉग्रेशन तो हो गया, अब इसके बाद कितने चैलेंजिंग हैं इन लोगों पास? इन लोगों पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि बेस्ट इन लोगों को सर्विस देना, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल को खोलना और पैसा खर्च करना, बड़ा सा सुविधा देना, उसके साथ साथ स्वास्थ्य का सुविधा देना, डॉक्टर का सुविधा देना, ये सारी सुविधाओं के लिए बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए। तभी ये लोग बाहर के डॉक्टर को, मेडिकल फैसिलिटी को टक्कर दे पाएंगे। आप यहाँ आए, पूरा हॉस्पिटल को घूमे, कुछ खामियाँ कुछ खूबियाँ क्या दिखाई दी? अभी देखिए शुरुआती दौर में जो भी चीज़ होते हैं, अब ये मैंने जस्ट समझ लिया कि पौधा है, अब इसमें पानी डाला जाएगा, सींचा जाएगा, तब वृक्ष होगा, तब आने वाला वक्त बताएगा। मगर हमें आशा है कि इनका जो टीम है बहुत बेस्ट करेंगे और बेहतर करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि कुल्टी खास के लिए जो यहाँ के रहने वाले उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अब उनको आसनसोल नहीं जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, यहीं पे हो जाएगा। तो आप चलते चलते आखिर में कुल्टी वासियों को एक मैसेज दे दो। कुल्टी वासियों के लिए आज गर्व का दिन है और उत्सव का दिन है, और कुल्टी के लोग काफ़ी खुश है। चूँकि जो लोग नहीं भी आ पाए हैं, मैं आपके CFM चैनल के माध्यम से बता दूँ कि जो लोग नहीं आए हैं वो लोग भी खुश हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इंडस्ट्री को चालू करना, सभी को बुलाना संभव नहीं होता है, मगर इनका कुछ ऐसा इरादा नहीं है। सभी के लिए इन्होंने माइकिंग वगैरह जो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम, अब भविष्य में इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट है कि आपको गांव-गांव में जाकर के स्वास्थ्य सेवाओं का शिविर लगाना, सेवा देना। डायलिसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कुल्टी के लोग आसनसोल में डायलिसिस करते थे, वो यहाँ यूनिट खुल गया है, डायबिटिक यूनिट, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कुल्टी में नहीं है। डायबिटिक के लिए अलग से इनका एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, और डायलिसिस मैंने कम खर्च में यहाँ पर हो पाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ, आपने हम लोग से बात की, अच्छा लगा। और CFM चैनल को धन्यवाद कि आप लोग समाज सेवा में इतना जुड़े हुए हैं और आप लोग समाज को लेकर काम करते हैं, ये बड़ी बात है आप लोगों के लिए। थैंक यू।